हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपल लाइफ कॉर्नर। और आज मैं कुछ ऐसी ट्रिक्स लेके आई हूँ जो कि हमारे किचन के काम को काफ़ी आसान बना देता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और ये 100% वर्क करता है, तो इसे ज़रूर इस्तेमाल करके देखिएगा, जो कि मैं नॉर्मली इस्तेमाल करती हूँ। तो चलिए, सबसे पहला मैं जो ट्रिक लेके आई हूँ वो है ये इस दूध के भगौने का। तो आप सभी जानते हैं कि जब हम दूध बॉयल करते हैं तो ये चारों तरफ लग जाता है, और इसे साफ़ करने में काफ़ी प्रॉब्लम आता है, हमारा स्क्रबर ख़राब हो जाता है, हाथ भी चिपचिपे हो जाते हैं। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है जो कि मैं नॉर्मली यूज़ करती हूँ। तो चलिए बताती हूँ मैं क्या करती हूँ। मैंने देखिए इसमें लिया है थोड़ा सा आटा, और मैं इसमें आटे को अच्छी तरीके से गूँथूँगी। इससे ये होता है कि हमारी रोटियां काफ़ी सॉफ्ट बनती हैं, मुलायम बनती हैं, और ये भगोना देखिए पूरे अच्छी तरीके से साफ़ हो गया है, और हमारा हाथ भी नहीं ख़राब होगा और स्क्रबर भी नहीं ख़राब होगा। तो आप सभी देख सकते हैं इस तरीके से मैं इसे करती हूँ, जिससे मेरा भगोना काफ़ी साफ़ हो जाता है। तो इस ट्रिक को ज़रूर इस्तेमाल करिएगा। और हमारा सेकेंड ट्रिक है इस तरह, देखिए हम जब नॉर्मली चने में भिगोने होते हैं तो हम कम से कम उसे 5 से 6 घंटे या 7 घंटे या रात को इसको भिगो कर रखते हैं। तो इसको अगर आपको जल्दी से भिगोना है और आप चाहते हैं कि जल्दी से ये चने फूल कर तैयार हो जाएं, तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका मैं क्या करती हूँ, देखिए मैंने लिया है इसमें गर्म पानी, और ये बहुत ज़्यादा गर्म पानी है। मैंने पूरा अच्छे तरीके से इसे बॉयल किया है और ये काफ़ी गर्म है। तो इसमें मैंने देखिए ये चने डाल दिए हैं, और ये चने आपको 1 घंटे या 1.5 घंटे के बाद पूरी अच्छी तरीके से फूले हुए मिलेंगे। तो अगर आप चने भिगोना भूल जाती हैं तो आप इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकती हैं, जो कि 100% वर्क करता है। तो चलिए हम चलते हैं अपने तीसरे ट्रिक पे। ये है मिक्सी का जार, और ये मिक्सी का जार जब हम ग्राइंड करते हैं ना तो ये काफ़ी ख़राब हो जाता है, और जिससे कि हमारा पेस्ट अच्छे तरीके से नहीं बनता है। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, मैं लेती हूँ नमक, और नमक को मैं इसके अंदर डालती हूँ। और इसमें नमक को डालकर हमें अच्छे तरीके से ग्राइंड करना है, और ग्राइंड करने के बाद इसके जो ब्लेड हैं वो अच्छे तरीके से वर्क करने लगते हैं। तो इसे भी यूज़ करके ज़रूर देखिएगा, और इस नमक का आप यूज़ भी कर सकते हैं खाने में। चलिए हम चलते हैं अपने चौथे ट्रिक पे। मैंने लिया है ये चीनी, और चीनी में नॉर्मली हमें हम लोग ये देखते हैं कि चींटी की प्रॉब्लम होती है, तो इसके लिए मैं यूज़ करती हूँ लौंग के दाने। तो इस तरीके से कुछ लौंग लीजिए और चीनी में डाल दीजिए, इससे चींटियाँ नहीं आएंगी चीनी में। और इसके ऊपर से आप थोड़ा सा और चीनी भर दीजिए। तो हमारा फिफ्थ ट्रिक है कुकर का। नॉर्मली हम लोग जब दाल वगैरह बनाते हैं तो यहाँ से काफ़ी इसमें से दाल निकलता है, तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप कुकर के इस चारों तरफ रबर के पास आप हल्का सा ऑयलिंग कर दें, जिससे कि इसमें से जो दाल निकलता है ना वो नहीं निकलेगा। तो इस तरीके से आप करके देखिएगा। और हमारी छठवीं ट्रिक है इस चाकू से। तो जो ये चाकू आप देख रहे हैं ना, इसकी धार ख़राब हो गई है, और नॉर्मली ऐसा होता है कि हमारे घर में जो चाकू रहते हैं उसकी धार ख़राब हो जाती है। तो इसके लिए बेस्ट तरीका है जो कि मैंने यूज़ किया है, इसलिए मैं आप सभी लोगों को बता रही हूँ। तो इसके लिए देखिए मैंने लिया है ये कप, आप कोई भी ये टूटा हुआ कप ले सकते हैं, और इसको थोड़ी देर के लिए आप इस पर धार ऐसे लेके इसको ऐसे ऐसे थोड़ा सा इस पर रगड़िए, और ऐसा थोड़ी देर करने के बाद इसमें धार बिल्कुल अच्छी तरीके से हो जाती है, और आप काट कर इसे देखिएगा, ये ज़रूर वर्क करता है। तो इसके बाद हमारा है सातवां ट्रिक। सातवीं ट्रिक भी मैं काफ़ी यूज़ करती हूँ, अगर हमारी सब्ज़ी में नमक ज़्यादा हो जाता है तो इसे कैसे कम किया जाए, और ये सही में कम होता है। तो मैंने देखिए इसके लिए लिया है ये आटे की बॉल, मैंने आटा जो गूंथा है उसकी छोटी छोटी मैंने इसकी गोलियाँ बना ली हैं, और मैं इसे ऐड कर दूँगी सब्ज़ी में।
और सब्जी में डालने के बाद कम से कम 10 से 15 मिनट छोड़ दीजिए। इसके बाद इसे निकाल लीजिए। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियोस आपको कैसी लगती है, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। गुड बाय।